और बोतल पंप के लिए चलेगी और है ये 12 वोल्ट की। ये वो मोटर है जो डंकी पंप के ऊपर लगती है, वाले जो मसाला पीसते हैं ना देगे वगैरह बनाने के लिए, ये भी अपना काम है। जबकि मोटर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये देखें बस एक सेकंड में जो है इसे पानी उठाया और फेंकना शुरू कर दिया। ये 220 इसको देना है, ठीक है, 24 वोल्ट निकालेगा, ठीक है। बिजली का बिल कम है। अच्छा, बिल कम आएगा। हाँ, ये क्या कर दिया, क्या बनाया है ये? मेरे वालिद ने पंप बनाया, ये ज्यादा नहीं एक मंजिल काम करता है। सिर्फ एक मंजिल? हाँ, और ये 24 वोल्ट वाले पंप है। 24 वोल्ट वाले कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों जगह पे गारंटी के साथ देंगे। चीज चले आप रख लेना, ना चले वापस दे देना। अस्सलाम वालेकुम कराची, कैसे मैं बोलता आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। विवर्स बार बार आप लोग पूछ रहे थे, मैंने आपको मोटर दिखा दी, बहुत सारी चीजें भी दिखा दी, शेरशाह ने घुमा फिरा भी दिया, लेकिन उसके एम्पियर चेक नहीं कराए, उसके जो है बहुत सारी चीजें चेक नहीं कराई। आज हम दोबारा मौजूद है सलीम घाची के पास। याद रखिएगा, हम मौजूद हैं सलीम घाची साहब के पास, जो सबसे पुराने मशहूर और समझे इस 12 वोल्ट डीसी मोटर को ईजाद करने वाले हैं। मैं एक पहली वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों ने बहुत पसीराई दी उसको। मैं हूँ आपका उस बाबर अली, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाजीवा। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और मज़ेदार है, क्योंकि इसके अंदर हमने नंबर भी शेयर किए हैं, उनके बेटे हैं आबिद साहब, उनके साथ हमने नंबर भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उस नंबर पे आप पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकेंगे और आप जो चीज़ कहेंगे, जो चीज़ आप बोलेंगे, जो चीज़ आपको दिखाई जाएगी, सिर्फ आपको वही मिलेगी। अगर आपको पसंद नहीं भी आए तो आप पैसे भी आप वापस ले सकते हैं और चीज़ भी चेंज करा सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप हमारे चैनल पे किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं। चलें वीडियो का बाकायदा आगाज। अच्छा व्यूअर्स, आपको मैं लोकेशन के हिसाब से बताता चलूँ, शेरशाह का मेन रोड ये पराजा रोड कहलाता है। अब इसके पीछे देखिए, वो आपको नजर आ रहा होगा पंप, छोटे का पंप, उसके सामने है जी बिल्कुल पंखा होटल, और हम ये खड़े हैं जो बिल्कुल नया जो है रास्ता बना है, ये पैदल चलने का रास्ता है। आप पीछे से आएंगे तो मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके आ सकते हैं, अगर आप पैदल चल के आना चाहें तो आ सकते हैं। बिल्कुल आप जैसे एंटर होंगे तो आपको यहाँ बोर्ड नजर आ जाएगा, सलीम घाची 12 वोल्ट डीसी मोटर के सबसे पुराने, सबसे बेहतरीन कारीगर, सबसे मेन कारीगर और सबसे बेस्ट पार्ट इन्हीं के पास होता है। आज हम इन्हीं की वीडियो एक्सप्लोर करेंगे, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। मौजूद है हमारे साथ आबिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आबिद भाई? अल्लाह का शुक्र भाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने मुझे कहा था कि मेरी दुकान होने वाली है, वहाँ पर आना, और अल्लाह का शुक्र है हम आपकी दुकान पे खड़े हैं सर। बस अल्लाह ने आसानी की, मामला अल्लाह ने हल करा दिया, अल्लाह आपकी सारी मुश्किलें दूर करे, सारी मुश्किलें आसान करे, और आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, मुझे अब बहुत सारी मोटरें, बहुत सारा सामान अब यहाँ पे नजर आ रहा है। अब तो आज तो मतलब हमारे व्यूअर्स को किसी बात के लिए गम नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत सारी मोटरें दिखाऊंगा। लेकिन पिछली वीडियो में गड़बड़ थी आबिद भाई, लोग ये कह रहे थे कि आबिद भाई ने मोटरें दिखाई लेकिन उसके आरपीएम, उसके वाट, सारी चीजें दिखाई, आज तो बताएंगे ना? हाँ इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था ना, दुकान का एक मामला हो गया था, सारा माल एक जगह पे जमा था, ठीक है। मैं उस वक्त अपने आप में परेशान था, मैं आपकी क्या गाइड कर सकता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अभी बस को बताइए हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? इस वक्त आप खड़े हो सलीम घाची की शॉप पर। अच्छा, देख लीजिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सलीम भाई की शॉप पर, एसी डीसी मोटर पंप, एसी मोटर वाटर पंप। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नजर आ रहा होगा, ऑनलाइन मंगाना चाहें पूरे पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन डिलीवरी है जी, बिल्कुल मिलेगी ना? हाँ, एडवांस पेमेंट पे। हाँ बेशक, एडवांस पेमेंट पे देंगे और गारंटी के साथ देंगे। चीज चले आप रख लेना, ना चले वापस दे देना, वापस चेंज हो जाएगी। कुछ दिनों का टाइम पीरियड दूंगा मैं, ठीक है, एक हफ्ते की चेकिंग वारंटी तकरीबन पहुंचने के बाद। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, कराची में डिलीवरी कैसे करेंगे? कराची में बाइकिया के थ्रू। बाइकिया के थ्रू? हाँ, पूरे कराची में। हाँ, बाइकिया, लेपर, डीएचएल, जिस तरह कस्टमर मंगाना चाहे, बेशक, जबरदस्त हो गया। अच्छा, सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं अभी भाई? सबसे पहले तो नामी ग्रामी मोटर है जो आजकल सब चला रहे हैं, इसका मेरे पास स्टॉक लोड माल आया हुआ है अच्छा खासा ना, ठीक है, तो हम आपको रेजनेबल प्राइस में दे देंगे। क्या प्राइस पड़ेगी अभी भाई? प्राइस तो भाई को व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, व्हाट्सएप नंबर पे इंशाल्लाह रब्ता करना, ठीक है, आपको प्राइस वगैरह इंशाल्लाह मुनासिब मिलेंगे। प्राइस हमको होलसेल मिलेंगे? आप प्राइस नहीं बता रहे हैं, होलसेल देंगे, होलसेल वाले बजाज की यही है इंशाल्लाह। देख लीजिए बस, बजाज की है कि प्राइस ये नहीं बता रहे, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इनसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको ये प्राइस बिल्कुल होलसेल पे मिलेंगे, और इस बात की गारंटी है क्योंकि इस वक्त मौजूद है शेरशाह में। हाँ, और क्या दिखा रहे हैं बाबर भाई? आपको जेन्युइन चीज मिलेगी भाई के पास, ठीक है। अब अपना अपना आपका भाई है ना, आ गया अपनी जगह पर, सही है, तो इंशाल्लाह भरपूर काम करेगा। लास्ट टाइम शिकायत मिली थी भाई, बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन तो सेटिंग नहीं थी ना, आज तो इंशाल्लाह माशाल्लाह पूरी सेटिंग है भाई, पूरी दुकान सेट हुई है। और क्या दिखा रहे हैं? और ये 24 वोल्ट वाले पंप है, 24 वोल्ट वाले कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों जगह पे चलने के, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास। अच्छा, 24 वाले पंप ये कहाँ से खींचेंगे, कहाँ तक फेंकेंगे? हमारा कोई भी पंप 30 फुट से पानी खींचता है, कोई भी पंप, कोई भी पंप 30 से ज्यादा डीप नहीं है उसकी। अच्छा, आधे का पंप, इंची, दो इंची, तीन इंची, चार इंची,
अच्छा 30 फुट से खींच लेगा? हाँ, गारंटी इस बात की? हाँ, हाँ, और कितने माले चढ़ाएगा? ये मोनोब्लॉक पंप है 24 वोल्ट के ना, ठीक है, ये आपको तकरीबन 3 मंजिला पानी चढ़ाएगा, जो सच वाली बात है, 3 मंजिला चढ़ा देगा, ठीक है। और इसका एक छोटा दाना है ये 24 वोल्ट में, ये लोग बेसिकली चलाते सप्लाई ऊपर, सप्लाई बोले तो इसको कहते हैं सप्लाई, इसको कहते हैं सप्लाई। ये तो मेरे काम शेरशाह में मिलती है शायद? हाँ, शेरशाह में मिलती है। ये सप्लाई का काम ये है कि 220 इसको देना है, ठीक है, 24 वोल्ट निकालेगा, ठीक है। बिजली का बिल कम है? अच्छा, बिल कम आएगा? हाँ, अच्छा, बिजली का बिल कम आएगा, आपका फर्क आएगा? हाँ, आएगा इंशाल्लाह। देख लीजिए, अगर आधो हाथ का फर्क आएगा, ये मोटर अगर आप लगाएंगे, पर ये 2 मंजिल पे काम करेगा। अच्छा, 2 मंजिल। हाँ। और नीचे डेप्थ कितनी होगी इसकी? 30 फुट। 30 फुट। हाँ। अच्छा, एक शिकायत और है, अब वो बोलते हैं, बोल तो दिया इन्होंने कि बिल का फर्क आधो हाथ आएगा, लेकिन चेक नहीं कराते, आपके पास कोई चेकिंग मीटर वगैरह है? हाँ, बिल्कुल चेक करवाएंगे ना आपको। देख लीजिए, बस इनके पास चेकिंग मीटर है, एम्पियर मीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, इसको क्लेम मीटर बोलते हैं। क्लेम मीटर, क्लेम मीटर, ये इसलिए बताता है कि आपका लोड कितना ले रहा है। कोई भी शख्स कोई भी चीज लेकर आया ना, उसके एम्पियर चेक करें, ठीक है, एम्पियर से सारी चीजें पता चल जाती। हाँ, जबरदस्त हो गया। मैं आपको इस चीज की गारंटी दूंगा कि एक शख्स का काम है कि उसको दूसरी मंजिल पानी चढ़ाना है, तीसरी मंजिल पानी चढ़ाना है, सही है, उस हिसाब से उसको मैं चीज दूंगा, इंशाल्लाह शिकायत नहीं मिलेगी। शिकायत नहीं होगी? कोई इंसान हो जाता है, अगर शिकायत मिल भी जाए तो भाई को फुल गाइड मिलेगी, ठीक है, फिर भी पसंद ना है तो वापसी दे दे, पैसे ले ले। जबरदस्त हो गया व्यूअर, अगर चीज पसंद नहीं आ रही है तो चीज आप वापस भी कर सकते हैं और अपने पैसे भी ले सकते हैं, और अगर चेंज कराना चाहें, सलीम भाई की मैन्युफैक्चर अपनी, जरा बाहर निकाल के दिखाइए ना आबिद भाई। अरे सलीम भाई जो है आबिद भाई के वालिद साहब हैं, इस वक्त तो मौजूद नहीं है, वरना मैं आपकी मुलाकात जरूर करता। भाई ये क्या कर दिया, क्या बनाया ये? ये मेरे वालिद ने पंप बनाया, ये ज्यादा नहीं 1 मंजिल काम करता, सिर्फ 1 मंजिल। हाँ, 1 मंजिल से मेरा 14 फीट 15 फीट तकरीबन, ठीक है, ये आपका 20 फुट से पानी उठाता है और 1 मंजिल पानी फेंक देता है। ये फिर क्वार्टर वाला 24 वोल्ट है? 24 वोल्ट है? हाँ, 12 वोल्ट पे नहीं चलेगा? 12 वोल्ट पे अभी तक हमारे पास मामला नहीं बना। अच्छा, बना नहीं है, 24 वोल्ट फिर हमें सप्लाई लेनी पड़ेगी इसके लिए। हाँ, एडॉप्टर होता है, सप्लाई होती है, ठीक है। ये कितने का पड़ेगा पंप हमें तकरीबन? अंदाजा कुछ अंदाजा दे दें, इससे कम पड़ेगा उससे ज्यादा? 10 से ऊपर, 12 से अंदर। माशाल्लाह, फिर तो ये रेंज में भाई। अच्छा, मुझे बताइए, इसको एक आम आदमी इंस्टॉल कर सकता है? आपका भाई है ना गाइड करने के लिए। अच्छा, मतलब व्हाट्सएप पे सारी इंस्ट्रक्शन में दूंगा, ठीक है, कोई भी मामला हो 24/7। समझ गया, इंशाल्लाह भाई से। अच्छा, ये वाला पंप जो है एक माला चढ़ाएगा, मैन्युफैक्चरर है, एक माला चढ़ाएगा और 30 फुट से खींचेगा, 20 फुट से खींचेगा और 15 फुट फेंक देगा। देखिए जी, 20 फुट से खींचेगा, 15 फुट जो है ऊपर जो है काम करेगा। आपको एक एक चीज इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और क्या दिखा रहे हैं? और ये भाई हमारे जो कमर्शियल काम करने वाले डीजल के, डीजल वाले? हाँ, ये रेजिडेंशियल के लिए नहीं है, कमर्शियल के लिए। अच्छा, कमर्शियल के? हाँ, इसमें 12-24 के अमेरिकन पंप मिल जाएंगे। जरा बाहर निकाल के दिखाइएगा आप। हाँ, अच्छा, और रेट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका काम होलसेल का है, फिर वो होलसेल वाले आपको परेशान करते हैं, भाई आपने रेट खोल दिए, तो हाँ, यही बात, यही वजह है ना? यही वजह। जबरदस्त हो गया जी, ठीक हो गया। ये हमारे कमर्शियल के पंप है? हाँ, ठीक हो गया, कमर्शियल काम के लिए। ये डीजल पंप है, ये दुकानों पे और जगह पे इस्तेमाल होते हैं पंप। हाँ, ठीक हो गया, जबरदस्त। और क्या दिखा रहे हैं? और ये बोतल पंप की मोटर है, बाल्टी पंप जिसे बोलते हैं वो, बोतल पंप जो बिल्डिंगों का पानी पूरा करता है। अच्छा अच्छा, जो 6 माला 8 माला 10 माला? नहीं नहीं, 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 लाइन से पानी खींचेगा, ठीक है, और बिल्डिंग का जो कमर्शियल टैंक है ना वो भरेगा। अच्छा, ये वो पंप है? ये वो मोटर है जो डंकी पंप के ऊपर लगती है। अच्छा, हाँ, एक पे और उसी जो बड़े, ये डायरेक्ट सोलर पे चलती है। अच्छा, सोलर पे चलेंगी? सोलर पे, हाँ, इसमें हम से एडाप्टर से भी चला सकते हैं। इस वाले एडाप्टर चलेगी? इतनी बड़ी मोटर, क्योंकि एडाप्टर 12 वोल्ट में भी आता है, 24 में आता है, 36 में, 48 में, ठीक है, एडाप्टर तो खैर अपना हाथ का काम है। ये एडाप्टर कितने का पड़ेगा? ये सेकंड हैंड एडाप्टर है, बाहर से इंपोर्ट किया हुआ, ठीक है, अपने पास माशाल्लाह जो भी आइटम है ना इंपोर्टेड है, ठीक है। ये आपने जो मोटर दिखाई कहाँ की है? ये अपनी सीमेंट मिक्सचर मशीन होती है ना, ऐसे मुझे नहीं पता, आप समझाएंगे तो चलेगा। ये बेसिकली कमर्शियल मोटर है पर रेजिडेंशियल में कामयाब है, ठीक है, है बाहर की, बिजली कंज्यूम कम करती है। हाँ, बाहर की, अपने पास सारा इंपोर्टेड माल है। मतलब कहाँ का ये आइटम? ये जापान। पक्की पक्की बात है? जापान का, देखिए भाई, ये बिल्कुल बोल रहे हैं कि पक्की बात है, जापानीज मोटर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ। और ये वाली जो आपने दिखाई थी 12 वोल्ट वाली, ये
ये बेसिकली गाड़ियों की मोटर होती है, हाँ, जो कार के स्टीयरिंग होता है ना, हाँ, हाँ, अरोला निसान, मतलब ये छोटे मोटे काम के लिए, घरों के काम के लिए वैसे, हाँ, ठीक हो गया। सिंगल बेल्ट डबल बेल्ट के लिए बेहतरीन है। अच्छा, इसका स्टॉक लोड पे अपने पास अच्छा खासा माल है, ठीक है, ये मिलता रहेगा अपने को, मिलता रहेगा। अच्छी, आपने अंदाजा कीमत तो बता दीजिए, अंदाजन देखो, फिर बात पकड़ना नहीं, नहीं नहीं पकड़ेंगे नहीं भाई, आप एक बार सुन लीजिए, ये सिर्फ आईडी के लिए दे रहे हैं, जब आप आएंगे इस वक्त 6,500 से लेके और 8,500 तक के दरमियान दिखती है। समझ गया, बिल्कुल सही है, आपने रेट भी मुनासिब दिए, बिल्कुल आपने, लोग इसको अमूमन 8,500 तक की बेच रहे हैं, हाँ, मैंने ज्यादा रेट मालूम किया, मेरे पास 6,500 की भी मिल जाएगी, 8 से 8,500 के दरमियान की। समझ गया आपकी बात, जबरदस्त हो गया। जैपनीज मोटर व्यूअर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये इनकी, इनके वाले साहब हैं जमील भाई, उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब उन्होंने बनाया। एक बात आपसे पूछनी बाकी है, देखो कोई नई चीज देखने से पहले आपने मुझे बताया, मुझे हैरत हुई, ये इतनी बड़ी मोटर जो है जमीन से खींचेगी और टंकी में भरेगी, तो इसको लगाने के लिए कोई स्पेशल वो चाहिए, मिस्त्री? नहीं, मिस्त्री नहीं चाहिए, ये जो डोंकी पंप बोतल पंप होता है ना, सिंगल बेल्ट डबल बेल्ट, इसमें एक बड़ा पंप आता है बोतल पंप के नाम से। अच्छा, जो बिल्डिंग का, जरा मोटर बाहर निकाल देंगे? हाँ बिल्कुल निकाल देंगे। ये तो मुझे बहुत भारी मोटर लग रही है। हाँ हाँ, क्योंकि कमर्शियल काम के लिए ना। अच्छा अच्छा, देखिए कमर्शियल काम के लिए एक और मोटर निकाल दिया हमने, और ये पानी के लिए ही है, सिंगल बेल्ट भी चला सकते हैं, डबल बेल्ट भी चला सकते हैं, पर बोतल पंप, बोतल पंप के लिए चलेगी, और है ये 12 वोल्ट की। हाँ, इतनी बड़ी 12 वोल्ट नहीं है, हाँ, ये सोलर से चलती है, 2 सोलर से। फिर उसमें कितने वोल्टेज निकलते हैं? 585 वाले 2 सोलर। समझिए, इसके जो ओरिजिनल वोल्ट है ना 180 वोल्ट है। अच्छा, वो जब व्यूअर्स मुझसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इनको सारी बातें गाइड करेंगे ना, हमारे मैं बेटा ही गाइडलाइन के लिए। समझ, जबरदस्त हो गया व्यूअर्स, किसी किस्म की कोई परेशानी इंशाल्लाह आपको नहीं होने वाली। और ये क्या दिखाने लगे थे हमारे? हाँ, ये मसाले वाली मोटर है ना। हाँ हाँ, इसमें जो आजकल अपने जो किचन वाले जो मसाला पीसते हैं ना, देगे वगैरह बनाने के लिए, ये भी अपना काम है। अच्छा, बनाते हैं इसको? हाँ, जबरदस्त। लोग हमारे पास आते हैं दुकानदार, हाँ, बोलेंगे तो घर घरेलू आइटम में भी हम मसाले वाली मोटर बना देंगे, जो मसाले को पाउडर कर दे। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात। हाँ, तो ये भी अपने पास काम है। इसकी तो कीमत बता दीजिए यार हमें। ये तो हमारे घरेलू आइटम हो गया बस, हमें तैयार कितने की मिलेगी? ये फिलहाल आपको 10,000 रुपए की, 10,000 की पड़ेगी। हाँ। इसके साथ जो मोटर लगी है ये बाहर की जापनीज, हाँ, जापनीज होगी? नहीं, ये चाइना, चाइना की होगी, जापनीज नहीं मिलेगी हमें मोटर? जापनीज में मिलेगी, पर उसको अल्टर करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। जैसे तो कहे यार, मुझे जापनीज में देखे एक दफा ले और हमारी जान छूट जाए, इस तरह कोई काम नहीं हो सकता। ये देखें, ये जैपनीज मोटर है, बाकी इंपोर्टेड, ठीक है, इसमें हम पाकिस्तानी मसाले का डब्बा लगाएंगे, आधा किलो वाला, सही है, किलो वाला, सही है, किचन वाले, होटल वाले, सही है, और इसके अलावा घर घरेलू लोग, ठीक है, जिसमें आराम से पाओ आधा किलो एक किलो मसाला डाला, उसको पाउडर बना देगा ये, जबरदस्त। अच्छा बताइए, 12 वोल्ट चलेगी, 220 से चलेगी? ये 220 है, डायरेक्ट 220 से चलेगी? 220, जबरदस्त। एसी मोटर है, एसी मोटर है, हाँ, ओके, अल्टरनेट करंट। ये हमें तक आइडिया में लोगों को बोला 8 से 10,000 की पड़ेगी मशीन। हाँ, तकरीबन 8 से 10,000। और इसमें जो, इसमें जो डोंगा या बर्तन लगाएंगे वो अंदर तक कितना, 1 किलो का होगा? हाँ, 1 किलो, आधा किलो, आधा किलो, 1 किलो दबा होगा, ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। और क्या दिखाने लगे व्यूअर्स? मैं अपनी चीजों को ना कलर नहीं करता, जेन्युइन कंडीशन में होती है, जबरदस्त। ये जो हमारे खेती बाड़ी के लोग होते हैं ना, जिनके पास पौधे वगैरह होते हैं, जैसे बेंगलोर में लगा दिया, एक सोलर प्लेट से चलता है, 330 वाट वाली। ये किस काम के लिए? ये 10 फुट से पानी उठाता है, और तराई के लिए जो होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तराई के पंप, प्रेशर से पानी आएगा? प्रेशर नहीं, सिर्फ पौधों को पानी पिलाने के लिए, जैसे फुवारा टाइप, एग्रीकल्चर के काम में यूज होता है, जबरदस्त जबरदस्त। ये 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है? ये 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, इससे 12 वोल्ट का हिसाब किताब नहीं है। ये डायरेक्ट सोलर से चलेगा ना, 330 वाली एक प्लेट पे। अच्छा, डायरेक्ट सोलर चलेगा, जो हमारे नर्सरी वाले जो भाई है ना, वो ये लेके जाते हैं, जबरदस्त। मतलब सोलर के लिए सिर्फ मोटर ले जाए और आपका काम हो जाना है। हाँ, इस टाइप के पंप है, जबरदस्त। ये तो बिल्कुल तैयार लग रहा मुझे। हाँ, तैयार है, बिल्कुल, ओके, बिल्कुल ओके। अच्छा, एक बात बताइए, बाहर से माल भी चेक करवा देता हूँ। हाँ, यही एक आधी चेक करवाइए। अच्छा, साथ साथ हमें ये भी बताइए, बाहर से जो माल आता है फिर आप उसको क्या रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, या सही करते हैं, या उसको सर्विस करते हैं, क्या करते हैं? बेसिकली हम चेक करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेयरिंग चेंज कर दिया, ठीक है, और इसकी सफाई कर दी, जैसे इसमें कॉइल होती है उसकी, वो तो चेंज नहीं करते, वो तो बनाते नहीं, अभी इतने जदीद हम हुए। अच्छा, इसका मतलब ये अपनी ऑरिजिनल कंडीशन में रहती है? हाँ, और ये कॉपर होती है सारी? ज्यादा, हाँ, कॉपर, ज्यादा ज्यादा बेरिंग चेंज कर दिया, सफाई सुथराई कर ली, बस, इसके अलावा नहीं? नहीं, जबरदस्त। देवर आपको जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं, एक मोटर जो है पानी उठा के फेंकेंगे,
ये 24 वोल्ट वाली बताई ना, 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट वाली है जो सोलर पे चलेगी। आप लोग बार बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बेसिकली मैं अपने एडाप्टर से चला रहा हूँ, ठीक है, समझ गया। चेकिंग के लिए ना, ये तो चेकिंग के लिए। लगभग ये देखो, ये देखें बस, एक सेकंड में जो है इसे पानी उठाया और फेंकना शुरू कर दिया। ये आपके जो है तसली के लिए मैंने मोटर चेक करवाई, बल्कि उन्होंने पूरी चेक कर दी। ये देखें, आपको एक मोटर भी चेक करा के दिखाता हूं, 24 वोल्ट का एग्रीकल्चर के काम के लिए। हां, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट का मोटर है, बार बार बोला 24 वोल्ट का मोटर है। उसका प्रेशर देखें, माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त का प्रेशर है कि दिल खुश हो जाए अगर आप इसको एक दफा लगा दें तो। अच्छा, ये जैसे अगर सही इस्तेमाल हो रही है तो क्या आपको क्या लगता है, साल दो साल तीन साल जान छूट जाती है आदमी की, या लाइफ टाइम? नहीं, 8 महीने 9 महीने। उसी की वजह, भाई साल तो चलना चाहिए यार। नहीं, 8-9 महीने। अच्छा, उसके बाद जवाब दे जाती है? जवाब नहीं दे जाती। हाँ यार, ये बाहर से सेकंड हैंड चल कर आती है, ठीक है, तो इन ये समझ लो 100 में से सिर्फ 80-70% इनमें लाइफ होती है, लाइफ होती है, ठीक है। जो हम पाकिस्तान है इसका डबल इस्तेमाल करके उसको डबल ट्रिपल इस्तेमाल होता है, गला गाड़ी बन जाती है। पर एक बात मैं सच बताऊँ, अभी तक जो मैंने बेचे है ना, हाँ 12 महीने 13 महीने 15 महीने चलता है। अच्छा, 1-1.5 साल निकाल लेती है? हाँ, 1-1.5 साल निकाल। ये भी बहुत है यार, पैसे पूरे हो जाते हैं भाई। असल में मैं कहना नहीं चाहता, वरना कहने में क्या, अगर नाम ही बनाना है जिंदगी संवर जाएगी, ये हो जाएगी, जाएगी। लोग बड़ी बड़ी बातें माल बेचो मंजन नहीं। हाँ सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल जबरदस्त बोली आपने, माल बेचो मंजन नहीं। आदमी धोखे में ना रखे, जो साफ आते वो कही जाए तो बेहतर। और कुछ दिखाना चाहेंगे हमारी व्यवस्था में? सुकून बहुत है। आप बिल्कुल सही कहा, ईमानदारी में सुकून है भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। और कोई यूनिक चीज दिखाना चाहेंगे बाबर भाई? फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। कब बुलाएंगे बता दीजिए, हमारे मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि एक महीने में आ जाऊंगा फिर आपके पास। नहीं नहीं, अरे महीने में नए साल के पहले महीने में, नए साल के पहले 2025 के दो से तीन महीने तकरीबन माल आने वाला है आपका इंशाल्लाह, भरपूर। यही बुलाएंगे कहीं और बुलाएंगे? इंशाल्लाह बताएंगे आपको। अच्छा, जगह भी बता देंगे, हमारी बस पे जगह बता दीजिए, सब कहाँ मौजूद है। हम इस वक्त सलीम गाची शेरशाह कवाड़ी मार्केट, ठीक है, पंखा होटल, ठीक है। क्योंकि शुरू में मैं लोकेशन भी बता चुका हूँ, जी हाँ दिखाई आपने, हमारी दुकान की पहली एंट्री आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव मजेदार सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आबिद भाई आपसे किस तरह डील करें, किसी किस्म की कोई परेशानी कोई मसले मसाइल तो नहीं हो रहे? आप जैसे कहते हैं कि हमें चेक कराइए, हमें जो इसका लोड दिखाइए, आप जो चीज़ कहेंगे ये आपको वीडियो पे चेक करा के दिखाएंगे, आपको तसल्ली होगी तो आप ऑर्डर कीजिएगा, वरना आप ऑर्डर ना कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह होलसेल के रेट मिलेंगे और बेस्ट रेट मिलेंगे, ऐसा ही है ना, गाइडलाइन भी मिलेगी आपको, व्हाट्सएप पे इनकी गाइडलाइन भी मिलेगी, आप उनसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको एक एक बात ही बताएंगे। कोशिश करूंगा कि आप लोग को भरपूर फजाई करूँ, आपको गाइडलाइन दूँ, किसी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन कोई भी सवाल व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपका भाई आपके साथ ताउन के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। व्यूअर्स देख लीजिए, बार बार आपसे इसलिए मिलवाया, आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।